हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर जितने भी अग्निवीर आएंगे वो सभी को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी का निर्णय। जय हिंद दोस्तों, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अभी हरियाणा के चुनावी सभा के अंदर एक वादा किया है। वादा यह है कि दोस्तों अग्निवीर के जितने भी जवान हैं उन सबकी पेंशन शुरू होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। किस प्रकार से वादा किया है और क्या डिटेल उन्होंने बताई है, आज की वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। और दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हो डिफेंस मिशन नायक, मैं हूँ संजय नायक। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हो लिखा हुआ है हरियाणा की चुनावी सभा में वादा। तो दोस्तों ये वादा जो है वो आप देख सकते हो, हर अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी देंगे शाह। तो किस प्रकार से है वो पूरी डिटेल जान लेते हैं। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को हरियाणा में 3 सभाएं की। शाह ने कहा है कि हम सेना में भर्ती होने वाले हर अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी देंगे। मोदी जी ने हरियाणा में ही 1 rank 1 पेंशन का वादा किया था जो पूरा किया। राहुल बाबा जम्मू कश्मीर में वादा करके आए हैं कि अनुच्छेद 370 दोबारा लागू करेंगे। राहुल बाबा, मैं यहाँ से चैलेंज देकर जाता हूँ कि आप तो क्या आपकी तीसरी पीढ़ी भी 370 नहीं ले पाएंगी। तो दोस्तों ये इनका चुनावी मुद्दा है। और दोस्तों आपको बता दूं, अग्निवीर जो है इन्होंने ही लॉन्च करी थी, बीजेपी सरकार ने ही अग्निवीर की पॉलिसी नई लॉन्च करी थी। और उसमें दोस्तों पेंशन देने का इनका कोई जिक्र नहीं था, और 4 साल की नौकरी थी और काफ़ी चीज़ें भी इन्होंने चेंज की थी। तो अब ये धीरे धीरे अपने रुतबे को दोबारा बनाने के लिए, क्योंकि इनका 400 सीटों नहीं आ पाए तो इसलिए इनका दबदबा कहीं ना कहीं कम हो चुका है, तो उसी को दोबारा बनाने के लिए ये बड़ी बड़ी योजनाओं में चेंजिंग करते आ रहे हैं, जो चेंजिंग होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आगे क्या लिखा हुआ है आपको बता देते हैं, और आप क्या सोचते हैं यहाँ पे हमें आप बताइए, और आगे हम आपको बताते हैं। ब्राउन्स एरोस्पेस अग्निवीरों को आरक्षण देगी नई दिल्ली। भारत रूस की संयुक्त कंपनी ब्राउन्स एरोस्पेस पूर्व अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण देगी। कंपनी ब्राउन्स सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाती है, ऐसा आरक्षण देने वाली यह डिफेंस सेक्टर की पहली कंपनी है। आदेश के मुताबिक टेक्निकल और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में 15%, एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी पदों में 50% नौकरी अग्निवीरों को दी जाएगी। ब्राउन्स ने 200 से अधिक इंडस्ट्रीज पार्टनर्स से भी अग्निवीरों को आरक्षण देने को कहा है। तो दोस्तों मोटी मोटी सी बात कहें तो अब अग्निवीरों को जो भी नई भर्तियां होगी अग्निवीरों के लिए उनमें उनका आरक्षण दिया जाएगा। और दोस्तों इन्होंने देख सकते हो इन्होंने कई सेक्टर में अग्निवीरों को बांट दिया गया है, और जैसे कि एरोस्पेस जितने भी जो सिक्योरिटी पद होते हैं, जो जनरल के ड्यूटी पद होते हैं, वे सभी अग्निवीरों को अब पेंशन देगी, क्योंकि 4 साल की सर्विस है। 4 सर्विस और सर्विस भी दोस्तों बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि इनका क्या था 75% को नहीं लिया जाएगा, 25% को रिजर्व मतलब रखा जाएगा परमानेंट। अब ये चीज़ इन्होंने चेंज कर दी गई है कि 75% को परमानेंट रखा जाएगा और 25% को 4 साल के लिए रखा जाएगा, ये इन्होंने चेंजिंग कर ली गई है। और आज ये एक चेंजिंग और भी है कि अब इन्होंने पेंशन का भी कह दिया गया है। दोस्तों ये जो खबर है आपको पता है न्यूज़पेपर के माध्यम से आई है, और बाकी आप क्या सोचते हैं अग्निवीर को बारे में कि उनको पेंशन लागू होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए, और दोस्तों उनके क्या उनको आगे क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए, आप हमें कमेंट के माध्यम से कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे DM कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और दोस्तों ऐसे ही डिफेंस के बारे में नॉलेज जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।